हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सीट पर। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है कि यूपीपीएससी में जो है एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है, साथ ही यूपी बीएड 2021 का जो है रिजल्ट डेट भी घोषित कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं क्या चीजें हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप अपडेट से वंचित ना रह जाए और आपको सही से अपडेट यहां पर मिल सके। तो चलिए, आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की अपडेट की तरफ। सबसे पहले जो अपडेट आई है वो आई है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। इसमें लिखा है संक्षिप्त विज्ञापन है कि इस परीक्षा का विस्तृत जो ज्ञापन संख्या दिनांक है 13 अगस्त को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। यानी आज अभी तो नहीं आया है, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद ये जो है वेबसाइट पर भी जारी कर दिया जाएगा 13 अगस्त को। लिखा है जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जात प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, परीक्षा के विषय, यानी सारी चीजें इसमें दी जाएगी। किसको आरक्षण में कितनी छूट है सभी दी जाएगी। अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अर्हता होने की स्थिति में ही आवेदन करेंगे। फिर लिखा है अभ्यर्थी, इसमें रिक्तियों का विवरण दिया गया है कि वर्तमान में सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा है, यानी राज्य जो है अभियंत्रण की परीक्षा ये होने वाली है और इसमें जो है रिक्तियों की संख्या जो है 271 है। हालांकि रिक्तियों की संख्या पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि विज्ञापन आते हैं तो रिक्तियों की संख्या कम ही रहती है, लेकिन बाद में इसको समय समय पर इसको बढ़ा दिया जाता है। फिर लिखा है तथा विशेष चयन के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या 10 है, रिक्तियों संख्या परिस्थितियों में आवश्यकता अनुसार जो है घट बढ़ सकती है। जैसा कि मैंने अभी भी आपसे बताया है कि पहले जो है ये रिक्तियों की संख्या इतनी रहती है, बाद में बढ़ जाती है, बहुत सारे पेपर में देखा गया है। योग्यता की बात इसमें की गई है, क्या चीजें, उम्र सीमा जो है 21 साल से लेकर के 40 साल इसकी उम्र सीमा रखी गई है। जब इसका विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से सब कुछ समझा दिया जाएगा। अभी जो है ये पेपर के माध्यम से आया है, तो आपको इतना बताना जरूरी था कि आप लोगों का जो इंतजार है वो समाप्त हो गया। बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर इस भर्ती के क्या है, क्यों नहीं आ रही है, तो अब हम आपको बता दिए कि आ गई है। उसके बाद अगली जो न्यूज है यूपी टेट को लेकर के है। यूपी टेट जो है एकदम से माथा पच्ची किए हुए, दिमाग एकदम खराब करके रख दिया है इन्होंने। 2 साल हो गया यूपी टेट का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, और ऐसे में जो बच्चे हैं वो अपने दिमाग की जो है तरीके से बिल्कुल परेशान हो चुके हैं कि कब आएगा यूपी टेट का नोटिफिकेशन। भर्ती तो छोड़ दो, भर्ती तो पता नहीं कहां गई, लेकिन कम से कम यूपी टेट का नोटिफिकेशन तो निकालो। लोग यहां पर डीएलएड कंप्लीट किए बैठे हुए हैं, बीएड कंप्लीट किए बैठे, उनको टेट ही नहीं आ रहा। कम से कम एक बार टेट देंगे, पास हो जाएंगे, कुछ निश्चित चिंता तो आएगी उनके पास, लेकिन नहीं, जो है पीएनपी भेज रही सरकार के पास, सरकार भेज रही पीएनपी के पास में, और इन्हीं दोनों लोग एक दूसरे का खेल कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज जो है बच्चों ने महा ट्विटर अभियान जो है चलाया है, और आपका जो हैशटैग वो है हैशटैग रिलीज यूपी टेट नोटिफिकेशन। बिल्कुल ध्यान से देख लेना, आपको ये हैशटैग गलती नहीं करनी है। कैपिटल आर है, उसके बाद में रिलीज में सब कुछ छोटा है, अंडर स्कोर यूपी टेट आपका कैपिटल में है, फिर अंडर स्कोर नोटिफिकेशन में यन जो है आपका कैपिटल में, बाकी सब का सब आपका इस्तेमाल में है। तो आज जाइए और बिल्कुल अपनी जो पावर है उसको आप दिखाइए, यूथ पावर जो आप लोगों की है दिखाइए, कि यहां पर आज का युवा जो है बेवकूफ नहीं, आप बेवकूफ बनाना बंद करिए और नोटिफिकेशन लेकर आइए। उसके बाद जो अगली न्यूज निकल कर आई है वो बीएड के लिए जो है पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। मैंने इस पर मॉर्निंग में भी वीडियो डाला था, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है, काउंसलिंग कब से होगी, तो हमने सोचा कि शायद उन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला होगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाया नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, एक बार मैं फिर से यहां पर आपको बता देता हूं, तो आपको जो इम्पॉर्टेंट डेज है उनको मैं बता देता हूँ। 25 अगस्त तक जो है सभी कॉलेज जो है अपना जो सीट है उनके कॉलेज में कितनी सीटें उसका जो है उसको विवरण को अपलोड करेंगे। साथ ही 27 अगस्त को आपका रिजल्ट आएगा, और ऑनलाइन काउंसलिंग जो है 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी, और जो आपका शैक्षिक सत्र है वो 6 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं। तो सभी लोग जो है सारी चीज़ें अच्छे से कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहाँ पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं, और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं, और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। व्हाट इज द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा? लाइसोजाइम एंजाइम इज प्रेजेंट। वन इज लाइसोजाइम एंड अदर इज सलाइवरी एंजाइम। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइस, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का